ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा आए हैं हम सभी को कर्मातीत बनाने। हम सब ये लक्ष्य रख लें, हमें कर्मातीत बनना है। सभी ध्यान से अपने को चेक करें, क्या हमें अपने लक्ष्य की स्मृति है या काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए, योग नहीं लगता, मन परेशान रहता है, क्या इन सब संकल्पों के कारण अपने लक्ष्य को भूले रहते हैं। कर्मातीत होना है अर्थात सभी विकर्मों को और विकारों को नष्ट करना है, करना ही होगा क्योंकि वापिस जाना है, नहीं तो इसी कार्य के लिए बहुत कड़ी सजाएं प्राप्त होंगी। कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने वालों के लक्षण होंगे अंग अंग शीतल, कर्मेंद्रियां शीतल और सुगंधित। हमें अपनी सभी कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, काम वासना की कर्मेंद्रियों को शीतल कर देना है, उनमें वासनाओं की अग्नि रहे ही नहीं, चित्त भी शीतल हो जाए, आंखें भी शीतल, कान भी शीतल, मुख भी शीतल, जिह्वा भी शीतल, बोल भी शीतल। सुगंधित जो दूसरों के जीवन में भी सुगंधी भर दें, ऐसे बोल, ऐसी दृष्टि जो दूसरों के मन की दुर्गंध को समाप्त कर दे। तो इस सब के लिए बार बार हमें ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। जैसे जैसे हम देह से न्यारेपन की फीलिंग में रहते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां शिथिल और शीतल होने लगती हैं, हम बहुत रिलैक्स होने लगते हैं। बाबा ने तो ये भी कह दिया है कि 1 घंटे की नींद का अनुभव 1 मिनट के अशरीरीपन से कर लेंगे। अंत में जब हम सभी सेवाओं में बहुत व्यस्त हो जाएंगे, जब हमें रेस्ट का भी समय नहीं मिलेगा, तब अशरीरी अवस्था हमें सच्चा रेस्ट का अनुभव कराएगी। तो हम अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस करें, ये हमारी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इससे हम देह से दिनों दिन डिटैच होते जाएंगे, देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा, और जब देह के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं तो संसार की हर व्यक्ति और वैभव के आकर्षण भी समाप्त हो जाते हैं। आत्मा स्वयं स्वयं में ही तृप्त रहने लगती है, संतुष्ट रहने लगती है। यही हमारी संतुष्ट मणि की एक बहुत सुंदर स्थिति होती है। दूसरा अभ्यास हमें करना है, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर हूँ, परम पवित्र हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। ये बहुत गुड फीलिंग स्वयं को देनी है, मैं परम पवित्र हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। और साथ साथ ये भी अभ्यास करना है कि मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जो मेरे मस्तिष्क में जा रही हैं, पूरी देह में फैल रही हैं और अंग अंग को शीतल कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हम निरंतर करते रहेंगे, आज सारा दिन
हर घंटे में हम दो बार ये अभ्यास अवश्य करेंगे। मैं आत्मा हूँ, प्रकृति सिंहासन पर हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और मुझसे निकली हुई सफेद किरणें पवित्रता की या गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं, मेरे अंग अंग तक जा रही हैं, उन्हें रिलैक्स कर रही हैं, प्योरीफाई कर रही हैं, शीतल कर रही हैं। तो इस तरह हम अंग अंग को प्रकाश देंगे, पवित्र वाइब्रेशंस देंगे और ध्यान देंगे। मुख से कटु वचन न निकलें, जीभ खाने पीने की आसक्तियों में न रहे, कान हमेशा व्यर्थ सुनने के लिए तैयार न रहें, आंखें देहधारियों को न देखने की इच्छा करें, देखें ही नहीं उन्हें, केवल आत्मा को देखें। ऐसा अभ्यास सारा दिन चलता रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।